अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद आमना डॉट कॉम। मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहा है मीठी टिक्कियाँ। तो उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। मैदा लेंगे 2 कप, सूजी लेंगे 4 टेबल स्पून, नारियल का पाउडर लेंगे हम 1/2 कप, घी लेंगे 5 टेबल स्पून मेल्टेड किया हुआ, चीनी लेंगे 1 कप, बेकिंग पाउडर लेंगे 1/4 टीस्पून, इलायची पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, तिल लेंगे 2 टेबल स्पून, दूध लेंगे 1/2 कप। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड बटन को दबा के मुझे सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। अब एक बर्तन लेंगे, उसमें ये दूध डाल देंगे और इसमें ये सारी चीनी डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। चीनी को दूध में अच्छे से हल कर लेंगे। चीनी दूध में हल हो चुकी है, इसे हम साइड पे कर देंगे। अब एक बोल लेंगे, उसमें मैदा ऐड करेंगे, नारियल पाउडर ऐड करेंगे, सूजी ऐड करेंगे, इलायची पाउडर ऐड करेंगे, बेकिंग पाउडर, तेल ऐड करेंगे, इन्हें मिक्स करेंगे। और अब इसमें मेल्टेड घी ऐड करेंगे और इसको सारा मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह हम मिक्स करते जा रहे हैं। जो हमने दूध में चीनी मिक्स की हुई है उससे हम आटा गूंद लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। तो डो हमने गूंद ली है, डो हमारी इसी तरह होनी चाहिए, देखें। अब इसे हम कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो आधा घंटा हो गया, आटा हमारा अच्छे से हो गया। अब इसे हम निकाल के बेल के इसकी टिक्कियाँ तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा आटा लेंगे, बाकी का कवर करके रख देंगे और थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इसका पेड़ा बना लेंगे और इसे इस तरह से दबा के इसको बेल लेंगे। तो हमने इसे मोटा बेलना है, ज़रा पतला नहीं बेलना। तो ये हमने बेल लिया। अब इस तरह का कोई कैप ले लेंगे और इसे इसकी कटिंग करते जाएंगे। तो ये टिक्कियाँ हमने कटिंग कर ली हैं। अब इसको निकाल के जो एक्स्ट्रा इसे निकाल लेंगे और इसे हम फिर से गोल करके बेल के इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो कोई सा भी चम्मच ले लेंगे, उसे हम इसे उठाएंगे। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, फ्लेम हमने बिल्कुल मीडियम कर दी है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया, उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर दिया। मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करते जाएंगे। तो ये टिक्कियाँ हम डालते जाएंगे। ठंडे ऑयल में मत डालें, ऑयल को गर्म होना चाहिए, उसके बाद इसे डालें। तो इसे भी डाल देंगे। तो जब ये टिक्कियाँ हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो हम इन्हें निकाल लेंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई होती जाएंगी। तो नीचे वाली साइड ब्राउन हो गई है तो इसे हम पलट लेंगे। तो दूसरी साइड को भी हम फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसे निकाल लेंगे। तो ये टिक्कियाँ दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। तो इन्हें हम प्लेट में रखते जाएंगे। तो ये फ्राई हो गई हैं, बाकी की भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो तैयार है मीठी टिक्कियाँ। इतने आटे से तकरीबन 20 मीठी टिक्कियाँ तैयार हुई हैं। अब इसे हम तोड़ के दिखाएंगे। तो एक पकड़ेंगे तो ये देखें कितनी खस्ता और कितनी अच्छी बनी है। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रख के तकरीबन 2 महीने तक आप इसे खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।
अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।